हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिशा एग्जाम गाइड। तो फ्रेंड्स, आज ये भिडियो आम है आरआई अमीन एआरआई एवं एसएफएस पाई है मैथ्र मोस्ट इम्पोर्टाट कोड़ेटा प्रश्न। ये भिडियो आज आम डिस्कस करवा है यहाँ आपंकर आसुवा ओ डबल एससी ओ ट्रिपल एससी ओपीएससी है ओडिशा पुलिस ओडिशा एसआई सब एग्जाम बहुत इम्पोर्टाट हे। तो भिडियो को शेष पर्यटन देखूँ है तो चलतु स्टार्ट कर आज प्रथम प्रश्न रु। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर तो फर्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 120 है मैं दुईटा नंबर रो प्रोडक्ट प्रोडक्ट मैंने गुणफल है गुणफल हूँ 120। तो आम ये गोटे नंबर को ले जावा आम ए आ गए नंबर को ले जावा बी है। तो ये दु जन प्रोडक्ट हूँ के 120 है 120। तापर अच्छे ना कौन द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मैंने जो है स्क्वायरटा 289 हम है स्क्वायर समटा। तो ये आमको दे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समटा के सम ये प्लस है ये आमको 289 है। तो पचार द सम ऑफ द टू नंबर इज मैंने पचार से जो ए दुईटा नंबर है से दुईटा नंबर सम के हम है। तो ए और बी जो दुईटा नंबर आम नहीं तार जुगफल के पचार। तो आम ये नहीं जावा कौन नहीं जावा ना ये आम नहीं जावा ए प्लस बी होल स्क्वायर है ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं जावा है ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला कौन ना फॉर्मूला अच्छी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है। तो आम ये तार भैल्यू बस नवा है तो ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के 289 के भैल्यू 289 प्लस अच्छी 2 इंटु ए बी। तो ए बी रे 120 तो 2 ए बी तो के 240 मैंने 240 इक्वल टू के ना जोग करदे ये प्लस कले हे 9 आठ चार 12 2 2 2 4 से 529। तो यहाँ कहार भैल्यू ना यही है ए प्लस बी होल स्क्वायर भैल्यू है 529 है। तो जेहेतु आमको जुग फल पचार तो ए प्लस बी है ये जो होल स्क्वायर अच्छी है स्क्वायर को आम ए पट को लेगे के 529 रूट ओवर होगा। तो 529 कहार रूट ओवर हो तो यहाँ हम 23 है। तो ए प्लस बी जुग फल के ए प्लस बी जोगफल है 23। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होमर तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होमर तो यहाँ है द सम ऑफ टू नंबर है। तो ये देखिए आमको द सम ऑफ टू नंबर मैंने दुईटा नंबर जोगफल हूँ 15 है। तो हमें ये जावा एक्स प्लस वाई रे एक्स प्लस वाई रिफ्टीन है। देखिए आमको द सम ऑफ देयर स्क्वायर तांकर स्क्वायर रो केते स्क्वायर रो जोगफल होची केते स्क्वायर रो जोगफल होची 113 हला। तो नंबर दुटा को कोटा हला तो नंबर दुटा सॉरी एटा 1 एटा 113 हला 113 113। तो पचार छ हमकू नंबर दुटा को कोटा हो तो इथे हमकू ऑप्शन दिछि तो हम एटा ऑप्शन थ्रू जीवा। तो फर्स्ट हम देखिबा ए 11 4 15 एटा सटिस्फाई होची है। यार स्क्वायर के 4 16 है 11 121 मिसेले हूँ यहाँ होनी है। अच्छी यहाँ भी 10 एवं 5 15 है। तो यहाँ भी हूँ फर्स्ट सैटिस्फाई हूँ 15 हूँ जो गले स्क्वायर 113 हूँ मैंने देखा मैं 5 रोच 25 है 10 रे। तो यहाँ हो 125 तो यहाँ भी हम तापरे ऑप्शन सी देखिबा एटा है 36 915 हूँ 36 प्लस 81 हो कि नहीं 617 831 यहाँ हो 117 तो यहाँ भी होनी। तापरे ऑप्शन डीटा देखिए आमको 49 हो प्लस के 64 है 9 4 13 3 1 6 4 10 1 11 तो यहाँ हो 113। तो राइट आंसर होमर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर नेक्स्ट क्वेश्चन है आमर ए मैन कैन रो ऑफ स्ट्रीम एट 8 किलोमीटर है मैंने गोटे मनीष है गोटे डंगार ऑफ स्ट्रीम रे ऊपर को गले 8 किलोमीटर घंटा प्रति बेगरे जाए
ହେଲା ଉପରକୁ ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଏବଂ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ସେଇ ସ୍ରୋତଟା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସେଇ ତଳକୁ ଯଦି ଯାଉଛି ହେଲା 13 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗରେ ଯାଇପାରେ। ତ ଏଇଠି ପଚାରିଛି ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ତ ସ୍ରୋତର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ସ୍ପିଡ଼୍ଟା କେତେ ବୋଲି ପଚାରିଛି ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ନେଇ ମାନିନେବା ଯେ ମଣିଷର ସ୍ପିଡ଼୍ ହେଉଛି ହେଲା ମଣିଷର ସ୍ପିଡ଼୍ ହେଉଛି ଏକ୍ସ ହେଲା ଏକ୍ସ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ସ୍ପିଡ଼୍ ହେଉଛି ହେଲା କେତେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ସ୍ପିଡ଼୍ ହେଉଛି ଆମେ ମାନିନେବା ୱାଏ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଆମକୁ ଦେଇଛି ଆମେ ଯଦି ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ହେଲା ୱାଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 8 ହେଉଛି ହେଲା। ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଗଲେ ଆମର ପ୍ଲସ୍ ହୁଏ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଏ ହେଇଯାଉଛି ଆମର କେତେ ନା 13 ହେଲା। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ନେଇଯିବା ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ୱାଏ ୱାଏ ଟୁ ୱାଏ ହେଇଯିବ ଆମର ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ କଟିଯିବ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଟୁ ୱାଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର ହେଇଯିବ କେତେ ନା 8 ରୁ 13 ବୋଲି କେତେ ଯିବ ଆମର ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏଭଳି ଲେଖିବାନି ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇକୁ ଲେଖିବା ହେଲା। ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 13 ତାପରେ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 8 ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ କଟିଯିବ ତାପରେ ୱାଏ କେତେ 2 ୱାଏ ହେଇଯିବ ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ଏଇଟା 2 ୱାଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 13 ରୁ 8 ଗଲେ 5। ତ ୱାଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର 2.5 ହେଲା। ୱାଏର ଭାଲ୍ୟୁ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଛେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ନେଇଛେ ତ ୱାଏର ଭାଲ୍ୟୁ ଆସିଲା 2.5 କିଲୋମିଟର। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ହେଲା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଇଫ୍ ଏ ସମ୍ ଅଫ୍ ମନି ଏଟ୍ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଡବଲ୍ସ ଇନ୍ 6 ଇୟର୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ଯଦି ପଇସା ହେଲା ଗୋଟେ ପଇସା ଯଦି ସିମ୍ପୁଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ହେଲା ଡବଲ୍ ହେଇଯାଏ 6 ବର୍ଷରେ ଡବଲ୍ ହେଇଯାଏ ମାନେ 1 ଟଙ୍କା ଅଛି 2 ଟଙ୍କା ହେବା ପାଇଁ 6 ବର୍ଷ ଲାଗେ ହେଲା ସିମ୍ପୁଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ। ତ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ବିକମ୍ସ 4 ଟାଇମ୍ସ ମାନେ ସେଇ ପଇସାଟା 4 ଟାଇମ୍ସ ମାନେ 4 ଗୁଣ କେତେ ବର୍ଷରେ ହେବ ବୋଲି ପଚାରିଛି ହେଲା। ତ ଆମେ ଏଇଠି ନେଇଯିବା ଏସ୍ଆଇର କ'ଣ ନା ଏସ୍ଆଇର ହେଉଛି ଫର୍ମୁଲାଟା PRT × 100 ହେଲା। ତ ଏସ୍ଆଇ ଏଠି କେତେ ଦେଇଛି ନା ଡବଲ୍ ହେଇଯିବ ତ ଏଇଠି ଆମର 1P ହେଲା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ P × ରେଟ୍ ଜାଣିନି ଆମେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି 6/100 ହେଲା। ଏଇ 1P'ଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଏସ୍ଆଇ ହେଲା ଆମକୁ କହିଛି ଯେ 1'ଟା 2 ହେଇଯାଉଛି 6 ଇୟର୍ସରେ ହେଲା। ତ ଏସ୍ଆଇ ଆମର କେତେ 1 ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏସ୍ଆଇ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଲ୍ଭ କରିବା ଏଇଟା ପି ହେଲା ଏଇ ପି କଟିଯିବ ତାପରେ 1ର ଭାଲ୍ୟୁ କିଛି ନାହିଁ ତ 2 3 ହେବ 2 50 ହେବ। ତ ଆର୍ ମାନେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ପରସେଣ୍ଟଟା ବାହାରିଲା ଆମର କେତେ ବାହାରିଲା ରେଟ୍ ପରସେଣ୍ଟଟା ବାହାରିଲା 50/3 ହେଲା 50/3 ବାହାରିଲା ହେଲା। ଏଇ ଆର୍ ଟାଇପ୍ ଗୋଟେ ଅଛି 50/3 ଟାଇପ୍ ପଟକୁ ବୋଲେ 50/3 ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଆମର ରେଟ୍ ଅଫ୍ ପରସେଣ୍ଟ କେତେ ବାହାରିଲା ନା 50/3 ବାହାରିଲା ହେଲା। ତ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବିକମ୍ 4 ଟାଇମ୍ସ ଇନ୍ ମାନେ ଏଇଟା 4 ଟାଇମ୍ସ 4 ଗୁଣ କେବେ ହେବ କେତେ ସମୟରେ ହେବ ତ ଆମକୁ 4 ଗୁଣ 1ର 4 ଟାଇମ୍ସ ହେବ। ତ ଆମର ଏସ୍ଆଇ କେତେ ହେଲା ନା ଏସ୍ଆଇ ହେଇଗଲା ଆମର 3P ହେଲା 3P ଆମର ପି ତାପରେ ଆର୍ କେତେ ହେଇଛି 50/3 ହେଲା 50/3 ଏଇଟା ତଳେ ହେବ 100 × 3 ଆମେ 3କୁ ନେଇଯିବା ତାପରେ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି କେତେ ନା ଟାଇମ୍ ଆମେ ଜାଣିନି ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ପଚାରିଛି କେତେ ବର୍ଷରେ ହେବ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ପି କଟିଗଲା ତାପରେ 50ରେ ଏଇଟା ଗଲା କେତେ 2 ଟାଇମ୍ସ ତ ଏଇଠି 3 ଅଛି 2 3 6 ଏପଟକୁ ବୋଲେ 6 3 18 ହେଲା 18 = T। ତ ଟି କେତେ ବାହାରିଲା ଆମର ଟି ହେଇଗଲା ଆମର 18 ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 18 ଇୟର୍ସ ମାନେ 18 ବର୍ଷ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା ଆମର ଅପସନ୍ ସି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ରିନା ଇଜ୍ ଟ୍ୱାଇସ୍ ଏଚ୍ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ସୁନିତା ମାନେ ରିନା କେତେ ଟ୍ୱାଇସ୍ ଏଚ୍ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ମାନେ ରିନାର କହିଛି ହେରା ହେଲା ରିନା ଯଦି 2X ମାନେ 2 ଗୁଣ ଅଧିକ କାହାଠୁ ସୁନିତାଠୁ ହେଲା ସୁନିତା କେତେ ଏକ୍ସ ଯଦି ସୁନିତା ଏକ୍ସ ତାହେଲେ ରିନା ହେଇଯିବ 2X 2 ଗୁଣ ଅଧିକା ହେଲା 2X ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି କହିଛି 3 ଇୟର୍ସ ଆଗ ମାନେ 3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ହେଲା 3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସି ୱାଜ୍ 3 ଟାଇମ୍ସ ଏଜ୍ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ସୁନିତା ମାନେ କିଏ ନା 3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସି ମାନେ କିଏ ରିନା 3 ବର୍ଷ ମାନେ 3 ଗୁଣ ଅଧିକା ଥିଲା
हला तीन गुण अधिका कहाँ थी सुनीता ठू है यहाँ रेसीओ आम को देसी है तो आम ये नहीं जावा के एक्स माइनस थ्री थ्री मान कौन एक्सटा हूँ कौन ना एक्स टू एक्सटा हूँ प्रेजेंट प्रेजेंट एज है प्रेजेंट बयस है तो एक्स माइनस थ्री तीन वर्ष पूर्वे कही तो थ्री एक्स माइनस थ्री बाय टू एक्स माइनस थ्री है तार कौन देना रेसीओ दे थ्री टाइम्स किए थ्री टाइम्स ना रीना थ्री टाइम्स थिला तो रीनार एज कौटा टू एक्स तो तले आम थ्री नवा उपरे आम वन नवा है तो यहाँ को आम सल्व करवा फर्दर फर्दर जल्दी आम सल्व करवा यहाँ उपरटा हो थ्री एक्स माइनस नाइन इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री है तोपर यहाँ सल्व कले हम टू एक्स इक्वल टू के पट गल प्लस नाइन हम माइनस थ्री यहाँ सिक्स होगा तो एक्स इक्वल टू के एक्स इक्वल टू आम आसला थ्री हला एक्स इक्वल टू जदि थ्री आसला हाउ ओल्ड इज रीना नाउ तो बर्तमान बयस पचार तो बर्तमान बयस आम के नहीं रीनार है रीनार के लिए आम है तो आम ये नहीं थ्री सॉरी थ्री हम ना ना यहाँ थ्री एक्स टू एक्स अच्छे ना तो यहाँ आमर हो एक्स एक्स इक्वल टू हम सिक्स है एक्स इक्वल टू जो सिक्स है रीनार एज पचार बर्तमान बयस तो रीनार बर्तमान बयस कौन टू एक्स आम नहीं तो टू एक्स इक्वल टू के बार वर्ष हो तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होमर व्हाट इज द ऑड न्यूमेरल पेयर ग्रुप इन द फॉलोइंग मान कौटा ऑड न्यूमेरल पेयर होमुक से आमको चिन्हवाक पड़ो तो यहाँ हम ना यहाँ हम बी हो ना सी हो ना डी हो तो राइट आंसर यहाँ केमती देखो बार इंटू बार है बार गुणन बार शहे चौरास तो ये बार हो देख थर्टिन आम जब बार को मल्टीप्लाय कले वन फिफ्टी सिक्स होना देख बार तीन छत्तीस छः थ्री बार के बार तीन पंद्रह है ऑप्शन टा भी होची ऑप्शन बी भी होची ऑप्शन सी देखा पंद्रह गुणन बार बार पंचा षाठी शून छः बार के बार छः अठर वन एट्टी तो यहाँ भी होची ऑप्शन सी भी होची और ऑप्शन डी देखा षोह गुणन बार है तो बारश बास्तर मैं दुई सेभेन रहा बार के बार सात उन्नीस 192 हो चुकी है तो यहाँ हूँ आमर रॉन्ग आंसर। तो राइट आंसर कौटा ऑप्शन डी तो यहाँ भूल अच्छे तो आम राइट आंसर है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होमर ए मैन डिस्ट्रीब्यूटेड रुपीज हंड्रेड इक्वाली अमंग हिज फ्रेंड्स मैंने गोटे लोकटे तार केतेटा सांग थी आम जानी तो सांग मान मन करूँ आम नहीं जाकर फ्रेंड्स थी एक्स है किए फ्रेंड्स थी सांग मैंने थी एक्स है तो से ही हंड्रेड रुपीज को मानने शहे टंका को एक्स मान मझे इक्वाली मैंने सामान भाव में बांटला है देखिए इफ जदि दे आर हेड बीन फाइव मोर फ्रेंड्स मैंने से कही एक्स प्लस फाइव था मैंने अधिका पांच जन सांग था इच वुड हैव रिसीव्ड रुपीज वन लेस मैंने समस्ते टंका टंकाटे लेखा लेखाए कम पाई था तो से पचार तार केतेटा सांग थिले बोली पचार तो यहाँ नहीं गला हला तो यही आम जो नहीं जावा तो यहाँ कौन कौन कही हंड्रेड बाय एक्स है माइनस वन कहीं हे तो से कही जदि तार एक्स प्लस फाइव मैंने आउ पांच जन जो सांग था से मैंने टाटे लेखाएं कम भाग पाई था क्या ठारूँ जो यू हंड्रेड बाय एक्स जो पाते जी भाग बोले पाते माइनस वन कम पाते है तो यहाँ को आम इक्वाल कर ना है तो ये तापर यहाँ आम फर्दर सल्व कले हंड्रेड एक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करदे यहाँ हंड्रेड एक्स यहाँ होमर हंड्रेड एक्स प्लस फाइव हंड्रेड तापर यही एक्सटा ये हो तो यहाँ येपट जदि होमर यहाँ हो के ना फाइव एक्स है फाइव एक्स हो तो ये फास्ट इक्वेशन टाइम यही भाया है हंड्रेड माइनस एक्स बाय एक्स है कहीं एक्सटा ये मल्टीप्लाई तो यहाँ ये भाया है तो आमर हो गला ये कौन ना हंड्रेड एक्स प्लस फाइव हंड्रेड है यही एक्सटा ये एक्स रे मल्टीप्लाई आमर कौन हो माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ भी माइनस होटा भी माइनस है तो यहाँ को आम फर्दर सल्व कले यहाँ हंड्रेड एक्स यहाँ हंड्रेड एक्स कटिगला तो ये आम के रहा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस
केते 500 अच्छे तापर ए पट को जदि आसला तो यहाँ होमर कौन हो पट को जदि आसला यहाँ होमर के जीरो तो यपट को यहाँ येपटे अच्छे येपट को आसिकले आम एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू जीरो होगा यहाँ 500 हला तापर आम ये फर्दर सल्व करवा जो फर्दर फर्दर आम जब सल्व करवा यहाँ को आमको एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x बाय सॉरी माइनस 500 है फाइव को आम भांगे ये भाया इक्वल टू इक्वल टू जीरो तो ये आम फर्दर सल्व कले आमर आम एक्स को कमन नहीं गले हो एक्स प्लस 25 एक्स प्लस 25 माइनस अच्छे माइनस तापर यू आम 20 को जदि कमन नहीं जावा ये आमर के ना एक्स प्लस 25 है तो फर्दर तापर आम आग को सल्व कले आमर एक्स प्लस 25 है एक्स प्लस 25 तापर यहाँ एक्स माइनस 20 है एक्स माइनस 20 है एक्स माइनस 20 है तो आमको एक्स रैल्यू आम बाहर करवा तो यही को आम जब एक्स रैल्यू बाहर करवा एक्स इक्वल टू के माइनस 25 हे कहीं यहाँ हम नहीं एक्स यहाँ हम आमर एक्स इक्वल टू प्लस 20 हे तो ये सांग पचार तो सांग कौ तो सांग संख्या पचार तो माइनस 20 हेनी है तो राइट आंसर हो एक्स इक्वल टू 20 तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर तो इन ए फैमिली मैंने गोटे परिवार रे हला गोटे परिवार रे फादर टुक 1/4 ऑफ ए केक मैंने गोटे केक थिला हला गोटे केक रो 1/4 हला एडा चार भाग तो चार भाग ए पार्टा गोटे पार्टा किए नाला ना बापा नहीं गले हला हुई चीज जोटा कि 3 times एज मच एज इच अदर हेड मैंने बाकी मेम्बर्स बा मैंने परिवार बाकी सदस्य जिते नहीं थे से जो बापा 1/4 नहीं गले से तार के गुण थिला ना तार 3 गुण अधिक थिला हला तो टोटल नंबर ऑफ फैमिली केते बोली पचार परिवार केते जन थिले बोली सदस्य पचारी हला तो आम ये नहीं जावा ना कौन ना मेम्बर्स मैंने तो पर सदस्य आम ये नहीं जावा एक्स मानि नवा है एक्स हला तो तापर आमको बापा के नेले ना फादर नहीं गले 1/4 हला तो हला के 1/4 नहीं गले तो आउ के रहा 1 - 1/4 कले के ना आउ रेस्ट आम रहा हला गोटे केक 1/4 नहीं गले आउ के रहा 3/4 रहा हला 3/4 रहा तो तापर आमको यही 3/4x हला 4x आम नहीं मेम्बर्स है ये जो 3/4x रहा 1/4 किए ने बापा ने यहाँ के गुण यहाँ 3 गुण कह रि पर सदस्य थे के तो यहाँ थी 3 × 3/4x 3 times इक्वल टू के 1/4 यहाँ बापा नहीं गले क्वेश्चन देला तो यहाँ को आम सल्व करवा समाधान कले आमर यहाँ के 9x/12 इक्वल टू 1/4 हला तो यहाँ को 4 × 3 = 3 हला एक्स इक्वल टू के एक्स इक्वल टू आम रही गला हला तो यहाँ हवनी आमर है ये भाया हवनी तो ये भूल लिखी थी तो यहाँ हवनी आमर है ना कौटा कौ भाया हम ना हम आमर यहाँ 9/4x है 9/4x इक्वल टू 1/4 है यहाँ को आम सल्व कले 4/4 कटिगला तो एक्स इक्वल टू के ना एक्स इक्वल टू 9 है एक्स इक्वल टू जो 9 यहाँ फैमिली मेम्बर्स 9 हेले प्लस बापा अच्छा प्लस 1 तो फैमिली मेम्बर्स के टोटाल टोटाल होगले 10 है तो ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए डिविजन मान गोटे कौन हरण है मैंने गोटे भाग क्रिया द डिविजन इज 10 times द क्वेश्चन है भागफल 10 गुणा अधिक हो भाजक है एंड 5 times द रिमाइंडर रिमाइंडर मान भाग शेष 5 गुणा
किए हूँ ना डिजर तो ये कहे रिमाइंडर के रिमाइंडर 46 देखिए 46 देखिए तो डिडेन्टा के पचारे पचारे तो आम ये जाचे जे डिडेन्टर फर्मूलाटा कौन ना डिडेन्टर फर्मूलाटा हूँ आमर है डिडेन्ट 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 इक्वल टू कौन ना डिजर है डिजर इंटू क्यूसेंट भागफल प्लस रिमाइंडर आम जाचे ये फर्मूलाटा है जदि जाचे आम ये कौन ना ना ये आमको के रिमाइंडर के 46 इंटु 5 है कौन ना डिजर बाहरी जीवो डिजर के डिजर होमर 230 है पांच गुणा कही डिजर किए 230 हूँ डिजर है डिजर तापर ये आमको कही क्वेश्चन मैं क्वेश्चन भागफल 10 गुणा अधिक है तो 230 आम 10 जदि 10 जदि आम डिवाइड करने तो क्वेश्चन बाहरी आसला आमर भागफल 23 भागफल के यहाँ है क्वेश्चन है क्वेश्चनटा है आमर के 23 है रिमाइंडर आमर के रिमाइंडर आमर देखिए आमको 46 है तो आम डिडेन्ट पचारे भाजक के पचारे हला सरी भाज्य के पचारि तो ये आम नहीं जावा डिडेन्टा के डिडेन्ट इक्वल टू आम एक फर्मूला अच्छे तो डिजर के डिजर हूँ आमर के 23 ना ना डिजर हूँ आमर 230 प्लस क्वेश्चन हूँ आमर 23 प्लस 46 है के तो 23 यहाँ 23 शून्य शून 23 3 के 5290 होगा ये दुज को कले 5290 हो प्लस है प्लस 46 6 नचार 13 3 1 2 6 3 5 तो कितने आमर नंबरटा डिडेन्टा के 5336 तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर द नंबर्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय राइटिंग वन डिजिट 6 टाइम्स माने जमी गोटे नंबर को आम 6 टाइम छः थर जब लिखा जेटा ये जो देखिए एग्जांपल 1111 4444 आर ऑलवेज डिविजिबल बाय एटा डिविजिबिलिटी सूत्र है तो यहाँ राइट आंसर है आमर ऑल ऑफ दिस कहीं 13 11 एवं 7 ये सब है जेकोसी नंबर जदि 6 टाइम्स कौन से डिजिट जदि रिपीट हुए से सब 13 11 एवं 7 रे डिवाइड हुए है मैं तार फैक्टर्स हो जाए है तार फैक्टर्स हो जाए उत्पाद हो जाए तो राइट आंसर हो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन है 231 इज डिविजिबल बाय 5 मान 231 को 5 द्वारा जब भाग करवा तो रिमाइंडर मान भागशेष सरी कौन ना भागशेष के बोली पचारि है 520 तीन रहा 531 ए तो राइट आंसर आमर ऑप्शन ए के रिमाइंडर के 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर ए क्यूब ऑफ साइड 6 cm मान गोटे क्यूब्र है गोटे क्यूब्र है साइड देखिए आमको 6 cm है कते देखिए ना 6 cm दे गोटे साइड्र गोटे क्यूब्र सैड्र 6 cm आमको देला गोटे सैड हूँ 6 cm है इज कॉल्ड इनटू ए नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ साइड 2 cm इज मैं ये 6 cm साइज्र सैड्र थिला क्यूब को आम जदि 2 cm गोटे सैड को बन बनवाई छोट छोट क्यूब्रे बनवा को जब काटा है केतेटा क्यूब हम से ही भाया छोट क्यूब तो यार फर्मूला हूँ आमर है नंबर ऑफ क्यूब्स नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स रो फॉर्मूला हूँ आमर वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब है मैंने वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब क्यूब्र वॉल्यूम कौन ना साइड 3 टाइम्स मैंने 6 × 6 × 6 बाय तापर कौन ना साइज सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब्स है वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्मॉल क्यूब्स कौटा 2 कहीं तार साइड 2 हो तो 2 रो 2 × 2 × 2 है तो यहाँ तार वॉल्यूम तो यहाँ हो 2 3 जा 2 3 जा 2 3 जा तो यहाँ के आमर
तीन तीन नौ तीस सतैस है सतैसटा होगा क्यू के हम सतैसटा क्यू हम तो राइट आंसर होगा आम 27 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 4:25 देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स माने जदि है टू स्फीयर है दुईटा स्फीयर है ये दुईटा स्फीयर ये दुईटा स्फीयर जदि सरफेस एरिया है सरफेस एरिया जो रेशियो रही गोटिकर फोर है यार फोर आर 25 जदि है तांकर वॉल्यूम माने तांकर आयतन केते तांकर आयतन रो अनुपात केते बोली पचारी हला तो आमको ये देखा स्फीयर रो आयतन रो फॉर्मूला होची कौन हला तो ये आम देखा ये देखिए स्फीयर सरफेस एरिया रो हला स्फीयर रो सरफेस एरिया रो फॉर्मूला होची आमर 4πr² हला ये छोटो आर एटा को आम छोटो आर नवा ये आम बड़ आर नवा हला 4πr² आईटा हमर 4πr² इक्वल टू 4/25 एटा वैल्यू देसी तार सरफेस एरिया रो तो हम एटा सरफेस एरिया रो फार्मूला पके के हम ताको रेशियो रे कर लेले तो एठी हमर कटि जीवो ना कोन कटि जीवो ना 4πr 4π कटि जीवो तो एठी हमर रहिबो आर आर केते हिबो हमर एठी ना 2:5 हेबो हला केते जीवो 2:5 हेबो काहे ना एटा स्क्वायर थला इपोट को आसिले 2 हेबो इपोट को आसिले 5 हेबो हला तो यहाँ बाहर गला तो आमको कही वॉल्यूम है कह रहा स्फीयर वॉल्यूम मान आयतन फॉर्मूला कौन ना 4/3 × πr³ पाए है आर क्यूब के छोट आर क्यूब होमर पाए आर क्यूब हे तो 2×2×2 तो ये देखिए आमको बड़ आर नहीं जा बड़ आर कौन ना 4/3 × πr³ तो आर क्यूब के 5×5×5 तो ये जो 4/8 कटिजी आमर तो ये केपरटा जीव 8 और तलटा जीव 125 तो तार रेशियो के तार अनुपात के तार अनुपात आसला ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची आमर इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर्स माने दुईटा स्फीयर्स रो वॉल्यूम रो रेशियो दीजिए आगर सरफेस एरिया देता यहाँ वॉल्यूम्स रो रेशियो दीजिए 1/8 तो वॉल्यूम रो कौन ना वॉल्यूम रो एबे आम कर 4/3 πr³ है छोटा एटा आउ गोटे बड़ आम स्फीयर नहीं जावा तो बड़ रो नहीं जावा 4/π बड़ आर क्यूब रेसीो रेशियो के 1/8 है यहाँ यहाँ कटिज 4/3 πr कटिज तो आर आर रे आस 1/2 आस आर आउ बिग आर आसमर 1/2 है 1/2 तो आमको सरफेस एरिया पचार सरफेस एरिया कौन हुए ना सरफेस एरिया 4 सरफेस एरिया कौन हुए 4πr² आर स्क्वायर हो जाए 4πr² तो यहाँ भी आम रही 4πr बड़ आर बिग आर स्क्वायर तो यहाँ आम रही जदि वैल्यू को पुट कर आर स्क्वायर रो 1 हो बड़ आर स्क्वायर रो 4 होगा तो तार रेशियो के सरफेस एरिया सरफेस एरिया रेशियो आसो ऑप्शन बी 1/4 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमर इफ द हेट ऑफ ए कोन इज डबल्ड है मैंने गोटे कोन रि हेट है गोटे कोन रोन यहाँ गोटे कोन है यहाँ को आम गोटे कोन मान ना हला कोन एटा गुटे एटा होची हाइट एटा होची स्लेंट हाइट हला एटा कोन स्लेंट हाइट हला तो एठे हमको दे जी वॉल्यूम ऑफ कोन हला गुटे कोन रो जदि हाइट को जदि डबल कर दिया जाए हला ताले तारो वॉल्यूम रे तारो आयतन रे कोन रो केते वृद्धि हेबो तो हमको कोन रो वॉल्यूम होची वॉल्यूम रो फार्मूला होची 1/3πr²h हला तो हमको ये देखिए ना कौन देखिए ना वॉल्यूम जदि हाइट जदि डबल हो हाइट माने कौन एच 1/3 × πr³ यहाँ एच अच्छी तो यहाँ एच को हमको 2h करवा पड़ा कहीं डबल करवा पड़ी तो ये आम रही पाए आर स्क्वायर रो 2h तो यहाँ को आम सल्व कल 2/3πr²
एच है ए टू टाइप एटी की बोला है तो आमको कही केते प्रतिशत इनक्रीज हो तो ए वन बाय थ्री जो थिला ए टू बाय थ्री थ्रू आम माइनस कर ले आम बाहर जो वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर एच कहा टू कही टू बाय है वन बाय थ्री टू के अधिका बोली कही वॉल्यूम के इनक्रीज हम वन बाय थ्री रु पाई आर स्क्वायर एचटा इंटू हंड्रेड तो यहाँ कटिज तो कैसे हंड्रेड रोज तो हंड्रेड परसेंट इनक्रीज तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर व्हाट लिस्ट वैल्यू मस्ट बी असाइन टू स्टार माने ए स्टार जगह क्यों वैल्यू को बसइले है सम नंबरटा पूरा पूरी एगार द्वारा विभाज्य हम तो एगार विभाज्यर सूत्र कौन ना फोर फाइव वन एट स्टार है ये स्टार अच्छी है ये स्टार अच्छी सिक्स जीरो थ्री तो आम को जानूँ अल्टरनेटिव नंबर रो सम करवा ताकू माइनस करदे आम जानी एगार डिविजिबल नंबर डिविजिबल फॉर्मूला फोर अल्टरनेटिव नंबर तापर यहाँ के मिसेल के चार एक पाँच छः एगार तीन चौदह है चौदह चौदह है तापर अल्टरनेटिव नंबर को माइनस करवा यूटा तापर यहीटा के फाइव यहीटा तापर यहीटा फाइव प्लस जीरो प्लस के स्टार स्टार जगह आम कौन तो एगार डिविजिबल सूत्र कौन ना ये अल्टरनेटिव नंबर मानक है फर्स्ट अल्टरनेटिव मान माइनस करदे है जीरो हो या जीरो हम ना एगार मल्टीपुल बाहर से एगार द्वारा डिविजिबल तो ये आम कौन मिले एगार द्वारा डिविजिबल हम ना ये समटा जीरो हम तो नाइन नाइन नीले हम तो नौ पाँच चौदह तो ये भी फोर्टीन 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 कटिगले जीरो हेल्ब तो जीरो आस तो राइट आंसर आम रही ऑप्शन ए है नाइन है तो राइट आंसर जो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन द मटेरियल ऑफ कोन इज कन्वर्टेड इनटू द शेप ऑफ ए सिलिंडर ऑफ इक्वल रेडियस माने है मैंने गोटे कोन अच्छे यहाँ गोटे कोन अच्छे है कोन को ए कोन को आम को ला ए कोन रो शेप को आमको गोटे सिलिंडर करिवार अच्छे है गोटे सिलिंडर करिवार अच्छे आमको गोटे सिलिंडर करिवार अच्छे है गोटे सिलिंडर है इक्वल रेडियस है सब समान इक्वल रेडियस रो करिवार अच्छे इफ द हाइट ऑफ द सिलिंडर इज सिक्स सेम है सिलिंडर रो जो हाइटा है हाइटा जो सिक्स सेंटीमीटर हे तो कोन रो हाइटा के पचार हला तो आम ये नहीं जावा कौन नहीं जावा ना आमको ये हला हाइट मागी तो आमको ये कौन हला तो आम कौन करवा ना आम ये दीजर वॉल्यूम को आम समान करवा कहीं गोटे सेप कही समान सेप कही इक्वल रेडियस भी कही हला तो कोन रो वॉल्यूम को आम सिलिंडर रे चेंज करवा हला तो यांकर दुजर वॉल्यूम को आम सेम करवा तो कोन रो वॉल्यूम रो फॉर्मूला कौन ना वन बाय थ्री पाए आर स्क्वायर एच इक्वल टू के सिलिंडर रो वॉल्यूम रो फॉर्मूला कौन पाए आर स्क्वायर बिग एच है एच नवा यार बिग एच नवा है तो ये आमको दे कौन दे नहीं देखिए आमको वन बाय थ्री पाय आर स्क्वायर एच इक्वल टू है ये आमर के सिलिंडर के हाइट सिक्स दे तो ये आम पाय आर स्क्वायर सिक्स है तो यहाँ पाय यहाँ पाय 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 कटिगला है पाय आर कटिगला आर स्क्वायर कटिगला है तो ये के रहा वन बाय थ्री एच इक्वल टू सिक्स है तो एच ये अच्छी तापर ये वन बाय थ्री को जब आम पट को ना सिक्स थ्री बाय वन हो तो वन रैल्यू कि ना छाड़ू तो यहाँ जब एटीन के हाइट के हाइट आम रहीगला एटीन तो कोन रो हाइट के कोन रो हाइट है अठर सेंटीमीटर तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर हला नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर तो यहाँ को आम इरेज करनवा फर्स्ट
हला नेक्स्ट क्वेश्चन ला मरो जे और रॉन्ग नंबर टा कोटा बाछी के नियम तो ए सीरीज जो दे छी ए सीरीज रु कोटा रॉन्ग नंबर सेटा में चूज करबा हला तो हम देखबा एटा को बोले छी एटा 5 प्लस होई छी तब एटा प्लस 7 होई छी तब एटा प्लस 9 होई छी माने दी दी बढी के जाउ छी प्लस 2 हो छी तो एटा हे जीव हमरो 4 4 शून्य 3 दी गेले 1 10 हो जे 11 होवार कथा हला एटी प्लस 2 होवार कथा 11 होवार कथा हला 11 हवा दरकार तो एटा हिबो 35 हवा कथा तो 34 जे तो एटा रॉन्ग अछ तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर एटा रॉन्ग थिला ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन होछ हमरो इफ टुडे इज ट्यूसडे आफ्टर 62 डेज इट विल बी माने जदी आजि मंगलवार हला जदी आजि मंगलवार हला 62 दिन परे को दिन पड़िबो तो माने 62 को हमें 7 रे जदी डिवाइड करबा काहे के डिवाइड करबा ना 7 डेज रहउछि हमरो 7 दिन रहउछि हला गुटे सप्ताह रे तो हमें एटा कोले 7 8 जाबो हला और केते दिन आउ केते दिन रहइबो और डेज हमरो रहइबो 7 10 56 हिले हमरो आउ 6 दिन और रहइबो हला और 6 और डेज रहइबो हमरो तो सेई 8 दिन परे मंगलवार परबो आउ 8टा सप्ताह परे सेई दिन मंगलवार पड़िबो ताठ जो 6 डेज और रहउछि तो मंगलवार रो हमें गुणी नबा मंगलवार रो ट्यूसडे नो तो 6 डेज ले कोन होइबो हमरो ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे हला वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे 6टा 6 हला 1 2 3 4 5 6 तो मंडे पड़िबो को दिन पड़िबो मंडे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो ए ट्रेन मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर माने गुटे ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा वेगरे जाय हला से मीटर प्रति सेकंड हला मीटर प्रति सेकंड रे केते मीटर जाय बोली पचारी छी तो 108 को हमको कोन करबा पड़िबो ना 108 किलोमीटर तो हमको इठी करबा को पड़िबो इनटू 1000 काहे कि ना एटु काम को मीटर करबा को पड़िबो काहे कि ना सेकंड रे मीटर देई छी हला मीटर प्रति इन माय माने सेकंड प्रति केते मीटर जाय बोल छी तो एटा को मीटर रे कहले 108 किलोमीटर को 1000 मल्टीप्लाई करबा हला ता पर हमको देई छी हला घंटा करे केते 60 मिनट 60 इनटू 60 केते जीवो हमरो 60 मिनट 60 सेकंड तो एटा हमरो जीवो 3600 सेकंड जीवो केते जीवो हमरो 3600 सेकंड 108 इनटू 1000 बाय 3600 सेकंड हला 3600 सेकंड काहे कि करिना हमको सेकंड रे बदलेवार अछि घंटा तो एठे 20 कटिबो ए दुटा जीरो ए दुटा जीरो कटिबो एटा 3 टाइम्स जीवो एटा तो एठे केते आसला 30 आसला हला तो केते हिबो हमरो 30 मीटर पर सेकंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हला आशा करू छी वीडियो टिके आपन मानन को भल लागथिबो हला थैंक यू।